नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के संविधान में से इंडिया एक्सक्लूड करने के लिए जो आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट का डायरेक्शन सीक करती हुई जो पिटीशन फाइल की गई थी वो सुनी गई, और उसमें चीफ जस्टिस की बेंच ने उसमें यही ऑर्डर किया है कि इस पिटीशन को रिप्रेजेंटेशन मान लिया जाए कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के द्वारा। क्योंकि हमने बात की थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट के हाथ में सब कुछ होता है, तो इसमें वही सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर के यही कहा कि भारत तो पहले से ही है, इंडिया दैट इज भारत, उसमें भारत तो है ही, लेकिन जो पिटिशनर का कंटेंशन ये है कि इंडिया को एक्सक्लूड किया जाए इसमें से। अब इसमें यह कह दिया गया है कि आप कंसर्न मिनिस्ट्री से जा करके आप उसको रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, इसको रिप्रेजेंटेशन मान लिया जाएगा। इस पिटीशन का वही एक तरफ से हम कह सकते हैं कि हाल हुआ है जो निरंजन भटवाल की 2014 की पिटीशन का हुआ था, उसमें भी यही उन्होंने कहा था कि इसमें नाम चेंज कर दिया जाए, भारत कर दिया जाए। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आप मिनिस्ट्रीज को जा करके रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मिनिस्ट्रीज की तरफ से सरकार की तरफ से ना कहा गया, फिर उन्होंने फिर से पिटीशन फाइल की, उसके बाद उसमें नोटिस इश्यू हुआ और नोटिस इश्यू होने के बाद फिर से वो जो है डिसमिस कर दी गई या डिस्पोज ऑफ कर दी गई, ये कहते हुए कि ये इमोशनल मैटर है, आपको कौन रोकता है भारत कहने के लिए, इंडिया दैट इज भारत, भारत ही है ये देश, और अगर कोई इंडिया कहता है तो ये उसकी मर्जी है, भारत कहता है उसकी मर्जी है, आपको किसी ने रोका नहीं है। तो यही हाल पहले हुआ था ऐसी पिटीशन का, क्योंकि इसमें सब कुछ जो ये कहिए कि अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है, और हम लोगों ने वोट देकर जो सरकारें बनाई होती हैं उसमें जो पार्लियामेंटेरियन है वो जब चाहेंगे उसको बदल सकते हैं, यानी कि सोसाइटी एट लार्ज जब भी ये प्रेशर बनाएगी संसद पर तब ये नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसे पिटीशन डालने से सुप्रीम कोर्ट में ये नाम बदलने वाला नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पहले की तरह मैं उस बात पर अडिग हूँ, क्योंकि आप भारत कहिए आप इंडिया कहिए, लेकिन ये जो अधिकार क्षेत्र है कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के पास न होकर के जो है पार्लियामेंट के पास है बदलने का। डायरेक्शन सीख करने के लिए उन्होंने यही मांगा था कि डायरेक्शन सीख की जाए कि भाई उसको डायरेक्शन दी जाए सरकार को कि ये नाम बदलें, लेकिन ऐसा नहीं, इसको रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से माना जाएगा और वो अब रिप्रेजेंटेशन लेकर के उधर जा सकते हैं कंसर्न मिनिस्ट्री में। धन्यवाद।